स्टूडेंट, ये फर्स्ट क्वेश्चन में देखें 45% लिखा होगा, ये परसेंट का साइन है, इसका मतलब है 45 आउट ऑफ 100। तो इसको हम फ्रैक्शन में भी चेंज करेंगे और डेसिमल में भी। तो पहले हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे तो 45 बाई 100 आ जाएगा, 45 बाई 100। अब इसको हम सिंप्लीफाई भी करेंगे, ये दोनों को सेम नंबर पे डिवाइड करेंगे, दोनों 5 पे डिवाइड हो जाएंगे जी। ये 45 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 9, 9 ऊपर आ जाएगा, और ये 100 को 5 पे डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, 9/20 आंसर है। अब 45% को हम डेसिमल में भी चेंज करेंगे, पहले हम यहाँ लिखेंगे 45/100, अब इसको पॉइंट में लिख देंगे। जिसमें देखें नीचे 2 0 हैं, ऊपर नंबर भी 2 हैं, तो 4 के साथ हम पॉइंट लगा देंगे, तो पॉइंट के आगे 2 डिजिट आ जाएंगे, तो 0.45 आ जाएगा इसका आंसर है। अब ये सेकंड क्वेश्चन में देखें 6% है, इसको हम पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे 6/100, अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये दोनों 2 पे डिवाइड हो जाएंगे जी। ये 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो आएगा 3, तो नीचे आ जाएगा, 100 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 50 आ जाएगा, 3/50 इसका आंसर आ गया। अब इसको हम डेसिमल में भी लिखेंगे, पहले फ्रैक्शन में लिख देंगे 6/100। अब देखें नीचे 2 0 हैं, तो ऊपर नंबर 1 है, तो 1 0 हम इससे पहले और लगा देंगे, तो यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, 0.04 आंसर आएगा इसका, 0.04 6। जी अब इस क्वेश्चन में देखें 56% है, इसको हम पहले फ्रैक्शन में लिखेंगे 56/100, अब इन दोनों को हम सेम नंबर पे डिवाइड करेंगे जी। ये दोनों 4 पे डिवाइड होंगे तो आंसर आएगा 14/25 जी। ये सिंपलेस्ट फॉर्म है 14/25। अब हम ये 56 को डेसिमल में भी लिखेंगे, पहले 56/100 लिखेंगे यहाँ पे, अब इसको हम डेसिमल में काट कर देंगे चेंज, नीचे 2 0 पर नंबर भी 2 हैं, तो पॉइंट इसका यहाँ आएगा, 0.56 आंसर आ जाएगा इसका। अल्लाह हाफिज़।